अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी और खुशबाश हूँ। यहाँ पर हो रही है नाश्ते की तैयारी। आज शेयर करूँगी आपके साथ कि वीकेंड की क्या मसरूफियात रही मेरी। काफ़ी कुछ करने को होता है जी वीकेंड पे, आपको पता है बच्चे भी घर पे हैं और फ्राइडे से ही हमारा वीकेंड यहाँ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। बच्चे चूँकि इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं सो इनका भी जो स्कूल ऑफ है वो ऑलमोस्ट अराउंड 12 o'clock हो जाता है। और फिर जब वो लोग आते हैं स्कूल से तो उनकी नमाज वगैरह की तैयारी होती है जुमा की। यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ये ब्रेकफास्ट की तैयारी है। वीकेंड पे मैंने जी बनाई हुई थी भुनी हुई सेवियाँ और बहुत ईजी सी रेसिपी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मैं अप्लाई करती इसके ऊपर। बस देसी घी मैंने डाला है थोड़ा सा, जब वो गर्म हुआ उसमें इलायचियाँ डाल दी हैं, इलायची पाउडर अगर है तो वो डाल दें आप। फिर इसके बाद मैंने शान की जो सेवियाँ हैं वो एक पैकेट ले लिया है, उसको थोड़ा सा क्रश करके मैंने उस घी के ऊपर इसको हल्के से फ्राई कर लिया है सब सेवियों को। एंड जब वो एक दो मिनट हल्की आँच पे बिल्कुल, इसको मैंने लाइट ब्राउन से थोड़ा सा डार्कर शेड हुआ है ब्राउन का, फिर मैंने इसके ऊपर शुगर ऐड कर दी है। एंड इन द लास्ट आई ऐड सम वाटर। वाटर मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी बिकॉज मुझे ये कुरकुरी सेवियाँ बनानी है भुनी हुई, मुझे बिल्कुल ज़्यादा फ्लैट किस्म की सेवियाँ ये नहीं बनानी। हस्बैंड को बहुत पसंद है जी भुनी हुई सेवियाँ, तो अक्सर मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना के रख लेती हूँ। समटाइम्स मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ ताकि सुबह के टाइम इतना जल्दी होता है, जल्दी जल्दी में सारा नाश्ता तैयार करना होता है, तो बस सिर्फ निकाला और उनको माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लिया। यहाँ पर अब मैं पानी डालने के बाद ये बिल्कुल इस तरह सौगी सी आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन मैंने इसको हल्की आंच पे बिल्कुल फ्राई किया है, यानी इनको ही मैंने भुनाई की है। और इन द एंड इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी थी। साथ ही जनाब चाय भी रख दी है क्योंकि चाय के बगैर तो हम देसियों का नाश्ता बिल्कुल भी कम्प्लीट नहीं होता। और अब यहाँ पे भुनी हुई सेवियाँ आप देख सकते हैं, बहुत यमलिशियस बनती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी आप सब लोग सुनाएं कि कैसा जा रहा है, आप लोगों की तरफ तो होंगी जी अब गर्मियाँ, समर सीज़न है और यहाँ हम लोग विंटर के मज़े उड़ाने वाले हैं। इसी तरह की अच्छी अच्छी जो है ना नाश्ते में चीज़ें बनेंगी और खाने में भी। मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट ओवर रात के नान भी पड़े थे और कुछ मैंने फ्रोज़न पराठास जो हैं वो निकाल लिए थे, तो नाश्ता हमारा बड़ा भरपूर सा होगा जी वीकेंड के ऊपर। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है बच्चे सुबह बहुत अर्ली स्कूल जाते हैं, वो बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट जो है ना इस तरह का हैवी नहीं करते हैं। मतलब उनकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई माइलो पी लेता है, कोई हॉट चॉकलेट पीना पसंद करता है और कोई सिर्फ बॉयल एग ले लेता है, तो इसलिए मैं उनको फोर्स भी नहीं करती। वीकेंड के ऊपर कोशिश ये होती है कि बच्चे भी घर पे हैं और हस्बैंड भी, तो अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया जाए। और स्पेशली अब जब विंटर टाइम है तो जनाब ऐसे नाश्ते तो बनते ही हैं। वैसे मुझे और मेरे बच्चों को देसी नाश्ता बहुत पसंद है, जैसे हलवा, चने, पूरी वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है जो आपको वीकेंड पे ये वाला नाश्ता प्रोवाइड करे। और ज़बरदस्त सा मौसम आपको दिखा रही हूँ जी, ये बिल्कुल हमारे यहाँ यहाँ पे इस तरह से आज वेदर हो रहा है, खूबसूरत सा बादल आए हुए हैं और अच्छी खासी जो है ना ठंडी सी महसूस हो रही है, तो हम तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं अगले 2-3 महीने यहाँ पर। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आप लोग मेरे चैनल पे और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी से मुझे सजेशंस दी हैं। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली मेक सेपरेट वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। यहाँ पर जनाब अब आफ्टरनून टाइम है और चूंकि नाश्ता काफ़ी हैवी था तो बच्चों ने सिर्फ एयर फ्रायर में अपने लिए कुछ स्नैक्स जो हैं वो रेडी किए हैं। काफ़ी सारा लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने ईगर मैनुअल एयर फ्रायर की आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप ज़रूर बताएं कि कैसा बनता है, रिज़ल्ट क्या आता है एयर फ्रायर में, तो इस तरह की चीज़ें भी तैयार हो जाती हैं हेल्दी सी। और अब जनाब मैं जा रही हूँ यहाँ पे ट्रांस, मैंने वीकेंड ग्रॉसरी करनी थी और ये मंथली ग्रॉसरी भी है। ट्रांस से ही मैं सारे मसाला जात भी लेती हूँ और सारा जैसे आटा, चावल, दालें वगैरह भी मैं ले लेती हूँ। ट्रांस का डिटेल विजिट और ग्रॉसरी हॉल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ उसका वीडियो अपने चैनल पे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप लोग वहाँ से लिंक लेकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जी एज़ यूजुअल कोविड की वजह से जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है और वो डन करने के बाद जब मैं अंदर आई हूँ तो अभी मैं उनके ऑयल सेक्शन में आके सबसे पहले मैं मंथली यहीं से लेके चली जाती हूँ। ऑयल भी काफ़ी अच्छी प्राइसेस इनके पास होती हैं
और उसके बाद जनाब मैं आ गई हूँ चॉकलेट सेक्शन उनका जो है। यहाँ पर चॉकलेट सेक्शन भी इनके पास काफ़ी ह्यूज रेंज होती है और सब प्राइसेस आपको होलसेल में मिलेंगी यहाँ। तो मंथली मैं यहाँ से बच्चों के लिए ले लेती हूँ चॉकलेट्स वगैरह। बच्चे हों या बड़े, चॉकलेट खाने की कोई भी एज नहीं होती। किसी भी हाल में, किसी भी उम्र में आपको किसी भी वक्त चॉकलेट की क्रेविंग्स हो सकती हैं। और यहाँ पे आप सबके लिए वही यूजुअल रिमाइंडर जो मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को देती रहती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। इन द मीन टाइम यहाँ पे मेरी ग्रॉसरीज डन हो चुकी थी। ट्रांस केक, ये सबसे अच्छी बात है कि पहले इनके पास इतनी ह्यूज वेजिटेबल एंड फ्रूट की जो है वो सेक्शन नहीं थी, लेकिन अब इनके पास फ्रूट एंड वेज का भी एक बहुत डिटेल सेक्शन है, तो वहाँ से आपकी ज़रूरत की सब्जियाँ और फल भी आपको मिल जाते हैं। तो बस हम लोग अब अपनी जो ग्रॉसरीज हैं वो डन करने के बाद अब काउंटर पर आ चुके हैं फाइनली। शान के मसाले मेरे लास्ट एक वीडियो में भी कुछ लोगों ने देखे और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बहुत ज़्यादा शान के मसाले लेके आती हैं। तो मैं ये बताती चलूँ कि शान के मसाले मैं वंस इन अ मंथ जाती हूँ जब ट्रांस, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ क्योंकि ट्रांस की जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। एंड सेकेंडली इन दे हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ शान, बिकॉज उनके पास सारी आपको शान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाती हैं। तो मैं जब भी चाहती हूँ, महीने में एक बार मेरा ट्रांस का विजिट होता है, तो मैं सारे मसाले शान के वहीं से ले आती हूँ। ग्रॉसरीज डन करने के बाद जी मैं घर आ गई और जब घर आई तो देखा बच्चे आगे से पानी पूरी इंजॉय कर रहे थे, बिकॉज वीकेंड पे यही एक्टिविटीज हमारे यहाँ चलती रहती हैं। बच्चे इस किस्म के स्नैक्स को खाना बहुत इंजॉय करते हैं। एंड आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप में से किस किस को पानी पूरी या गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। तमाम ग्रॉसरी को जो है वो मैंने अच्छे से सेटल डाउन कर लिया है, यानी कि ग्रॉसरीज को लाना तो बहुत इजी है लेकिन उनको अरेंज करके रखना एक बहुत जो है ना मुश्किल टास्क होता है, तो वो मैंने डन कर लिया था। कि हेयर यहाँ पे देखें थी, अब सब्ज़ी जो है मैं लेकर आई थी आज, और अच्छा रहता है कि आप बच्चों को भी अपने साथ इंगेज कर लें। यहाँ पे जो है धनिया है और इसको हम लोग अब करके रख रहे हैं क्योंकि डेली तो आपके लिए जाना मुश्किल होता है ना मार्केट्स में, तो मैं जब भी जाती हूँ वीकली इस तरह की जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ले आती हूँ और इस तरह हम मिलजुल के साफ़ करते हैं उनको और फिर मैं इनको अच्छे से वॉश करके फ्रीज़ कर दूँगी, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा धनिया वो यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर जी हमारी इंडियन स्पिनच है, यानी हमारी देसी स्पिनच, और यहाँ की लोकल भी एक स्पिनच होती है, किसी दिन वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसको लोकल स्पिनच को यहाँ पे रैप कहते हैं। तो ये वाली जो स्पिनच है ये हम लोग, ज़ाहिर है हम लोग देसी लोग यही खाते हैं मटन के साथ या चिकन के साथ या वैसे सब्ज़ी के साथ, आलू की और पालक की जो सब्ज़ी होती है मेथी की। तो ये मैं ले आई थी आज और बच्चों को मैंने अपने साथ इंगेज किया हुआ है, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग मेरे साथ हेल्प करवाएं और जल्दी से ये हम लोग करके, पालक को मैं ये करूंगी वॉश करने के बाद इसको मैं बॉईल करके। और ट्रांस से मैंने आज जो है काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी लिए हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का तो मज़ा ही और होता है और बच्चे भी मेरे बहुत शौक से खाते हैं, तो हम लोग मैं ये करती हूँ कि डिफरेंट जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी पसंद के वो मैं ले आती हूँ पैकेट्स और फिर उनको मैं मिक्स करके डिफरेंट जार्स में रख देती हूँ। जब भी बच्चों का दिल करता है, स्पेशली जब वो वीकेंड के ऊपर टीवी वगैरह इंजॉय कर रहे होते हैं, बैठ के हम लोग कोई भी शो देखते हैं, तो हम लोग नट्स भी बैठ के इंजॉय करते हैं। और सेकेंडली मैं डिफरेंट काइंड की जो डिज़र्ट्स बनाऊँगी, यानी कि जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था भुनी हुई सेवैयाँ मैंने बनाई थी, तो उनमें भी मैंने डाले थे बादाम, उसमें सिर्फ डाले हैं क्योंकि उसमें बच्चों को सिर्फ बादाम पसंद है। तो सूजी का हलवा हो गया या गाजर का हलवा, उनमें भी इंशाल्लाह मैं आपको उनकी भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी किसी टाइम आपके साथ अपने अपकमिंग व्लॉग्स में, तो उसमें मैं ये नट्स ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, हस्बैंड भी और मुझे भी पसंद है।
तो हमारी तरफ तो जनाब सर्दियां हैं और गाजर के हलवे और सूजी के हलवे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग पाकिस्तान में आप खा रहे होंगे ठंडे ठंडे डिज़र्ट्स, अगर आपको वो भी देखनी है तो मैंने एक दो बहुत अच्छी इंस्टेंट जो है डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ भी अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी अगर आप देखना चाहें तो। बहुत इजी और झटपट से डिज़र्ट्स हैं और आई थिंक सो समर के लिए वो बिल्कुल बेस्ट रहते हैं। हम लोग भी समर में उसी टाइप के जो हैं डिज़र्ट्स हैं वही मैं बनाती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली विंटर का अपना एक मज़ा होता है, विंटर टाइम में आप हलवे और इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं तो वो हम लोग ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और ये मैंने नमकीन पिस्ता जो है इसको सेपरेट जार में रखा है क्योंकि मैं शेल्स वाला लेकर आई हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है ये शेल्स वाला जो नमकीन पिस्ता है तो ये सॉल्टेड वाला है। तो इसके अलावा यहाँ पे मसाले वाला भी मिलता है लेकिन बच्चे वो नहीं पसंद करते तो मैं उनके लिए सॉल्टेड वाला ले आती हूँ। जब भी कभी वो बैठते हैं तो हम लोग गपशप भी करते हैं और इस तरह से नट्स भी इंजॉय करते हैं। और चने भी यहाँ पर जनाब ये रोस्टेड चने मुझे मिल जाते हैं, स्पेशली ट्रांस में आपको ये सब चीज़ें देसी जो है वो मिलती हैं तो ये भी मैं जार में डाल के हमेशा रख देती हूँ। ये भी बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। एज़ माई हस्बैंड इज़ अ डायबिटिक पेशेंट तो उनके लिए इस तरह की चीज़ें भी मैं घर पर ज़रूर रखती हूँ, सो जब भी उनका दिल करता है वो चने वगैरह ये भुने हुए चने जो हैं उनके लिए अच्छे हैं तो वो ज़रूर ले लेते हैं। आई होप आज का जो मेरा वीकेंड रूटीन है आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ और भी अपनी यहाँ की जो रूटीन है वो भी शेयर करती रहूँगी और कुछ रेसिपीज़ भी लाऊँगी इन फ्यूचर आपके लिए। और इसके अलावा ये भी आपको बताऊँगी कि विंटर हम लोग जो है यहाँ पर किस तरह से स्पेंड करते हैं। अभी यहाँ पर था जी डिनर का टाइम तो एज़ यूजुअल जो पिज़्ज़ा बनाने की जॉब है ना मेरी बेटी करती है माशाल्लाह से, सो शी वॉज़ मेकिंग अ चिकन पिज़्ज़ा, सो वो बस फाइनल उन्होंने करना था प्रेप कर रही थी और उसको अवन में डाला है। इसके अलावा आज एक और भी नई चीज़ उन्होंने बनाई थी, खैर मैं तो यूजुअली बनाती रहती हूँ बट आई हेल्प हर आउट एंड शी मेड दिस चिकन यमलिशियस चिकन पाए। मैंने फुल बिग साइज़ में उनको बताया था कि कैसे बनाना है, सो अभी वो ओवन में इसको डाल रही हैं पिज़्ज़ा को भी और पाए को भी और आज हम डिनर में यही चीज़ें इंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि वीकेंड पे बच्चों ये जो घर पे होते हैं तो उनका मूड अपनी ही पसंद की चीज़ें खाने का होता है तो सो मोस्टली जो है इसी तरह की चीज़ें जो है बना लेती हूँ मैं भी। और आज जो है वो बेटी ने बनाई है माशाल्लाह से चिकन पाई भी जो है वो रेडी हो गई और पिज़्ज़ा भी और अब हम लोग जो है डिनर को एंजॉय करने वाले हैं। तो ये थी जनाब आज की हमारी वीकेंड रूटीन शेयरिंग आपके साथ, आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।